क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट है इंडिया का टॉप मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स और फुटबॉल है वर्ल्ड का टॉप मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन आगे निकलेगा? बहुत सारे विषय पे मैं अभी आपको बहुत अननोन सा चीजें बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा कि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूँ। सबसे पहले पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप और पिछला फुटबॉल वर्ल्ड कप की कंपेयरिंग कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग राउंड्स खेले थे 211 टीम्स यानी 211 देश और पार्टिसिपेट किए थे 32 देश, और क्रिकेट वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 देश थे क्वालिफाइंग राउंड पे और फाइनल मुकाबला हुआ था 10 देशों में। ऑडियंस कितना था? फीफा वर्ल्ड कप में ऑडियंस था 5 मिलियन के करीब और क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑडियंस था 2.5 मिलियन के करीब। अब तक फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है 21 बार और होस्टिंग किए थे टोटल 18 देश, और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी तक खेला गया है 12 बार और होस्टिंग किए थे 11 देश। वर्ल्ड कप में खर्चा कितना आया है? फीफा वर्ल्ड कप में खर्चा आया था लगभग 20,000 करोड़ रुपए का और क्रिकेट वर्ल्ड कप में खर्चा आया था सिर्फ 1000 से 1200 करोड़ के आसपास। फुटबॉल वर्ल्ड कप में चीपेस्ट टिकट था 7000 रुपए की, जहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे चीपेस्ट टिकट था 700 रुपए की। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्टेडियम अटेंडेंस था एवरेज 55,000 और क्रिकेट वर्ल्ड कप में एवरेज अटेंडेंस था 22,000। हाँ, आप कहेंगे मैचों में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारे मैच ऐसे भी हैं जहां पर 2-3 हज़ार ही लोग आए थे देखने के लिए। अब कंपेयर करते हैं स्पोर्ट्स को। अगर फैन के विचार से देखा जाए तो पूरे दुनिया भर लगभग 3 बिलियन के ऊपर क्रिकेट फैन है, लेकिन फुटबॉल में 4 बिलियन के ऊपर है फैंस। गेम के कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए तो क्रिकेट में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है और फुटबॉल बहुत इजी गेम है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो जहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा यानी तुरंत कोई मैच इधर से उधर हो सकता है, वहां पर तो एंजॉयमेंट ज्यादा होगा ही। अब बात करते हैं प्लेइंग क्लब्स के बारे में। दुनिया में क्रिकेट प्लेइंग क्लब्स बहुत ही कम है, उसी तरह से देखा जाए तो फुटबॉल प्लेइंग क्लब्स बहुत ही ज्यादा है, और आईपीएल में जो क्रिकेट क्लब्स होते हैं वो क्लब्स नहीं है, वो फ्रेंचाइजी है। क्रिकेट के बगैर उन लोगों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उधर इंटरनेशनल मैच पर अगर देखेंगे तो क्रिकेट में इंटरनेशनल मैच पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जहां पर फुटबॉल में इंटरनेशनल मैच पे उतना फोकस नहीं किया जाता है। ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी होते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे द एसेस जो होता है वो भी बहुत पॉपुलर गेम्स होता है, और इधर पे फुटबॉल में आप देख सकते हैं ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना। मैच का फेयरनेस अगर आप देखेंगे तो निकल के आएगा क्रिकेट में सबसे पहले टॉस डिपेंड करता है, उसके बाद पिच के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बारिश हो जाए तो डकवर्थ लुईस मेथड पे डिपेंड करना होता है, घास में ड्यू फैक्टर भी डिपेंड करता है, लेकिन फुटबॉल में खुद का एफर्ट ही सिर्फ डिपेंड करता है। दोनों में से कौन ज्यादा थ्रिलिंग लगता है देखने में? क्रिकेट होता है स्ट्रेटेजिक गेम, पूरे मैच को बारीकी से देखने की कोई जरूरत है नहीं, आप स्कोर देख सकते हैं उसी से आप मजा भी ले सकते हैं, एक्टिव स्पोर्ट्स नहीं है। लेकिन फुटबॉल में स्कोर से सिर्फ मजा नहीं आएगा आपको, आपको मैच देखना ही होगा रियल थ्रिल पाने के लिए। तो सभी जगह आप मिला के देखें तो फुटबॉल क्रिकेट से बहुत ऊपर रहता है, इसलिए उनका पॉपुलरिटी भी बहुत है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल कौन है बेहतर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और ये भी लिखिए आपको स्पोर्ट्स के बारे में और क्या क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।